खरगोन जिले के भिकनगांव पुलिस ने आज एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 19 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि भिकनगांव पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मोटरसाइकिल पकड़ी थी। जांच विवेचना के दौरान मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा हुआ। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी इंदौर, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। चोरी की मोटरसाइकिल को तोड़ फोड़ कर पार्ट्स बेचते थे। पुलिस को किसी बड़े गिरोह या नेटवर्क से आरोपियों के तार जुड़ने की आशंका भी है। चोरी की गई मोटरसाइकिलों की कीमत करीब लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। खरगोन संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, पुलिस द्वारा अवैध चोरी की हुई बाइकों को पकड़ने का मामला सामने आया सर? हाँ, पिछले लगभग 15 जुलाई से पुलिस मुख्यालय स्तर से एक व्हीकल डिटेक्शन पोर्टल के नाम से एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोग प्रत्येक थाना क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। और चेकिंग के दौरान अगर हमें कोई वाहन ऐसा पाया जाता है जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो व्यक्ति उस गाड़ी के संबंध में कोई जानकारी संदिग्ध रूप से पाई जा रही है, तो उसको हम उस पोर्टल में दर्ज करते हैं। और दर्ज करने के बाद अगर उसमें हमारे को यह शंका समाधान में आती है कि वो अपराध में या किसी चोरी हुई वाहन के रूप में है, तो हम उसमें फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। उसी अभियान के तहत हमारे जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा साहब के निर्देशन में और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया, जिसमें हमें ज्ञात हुआ कि इस भिकनगांव क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंदौर, खंडवा और खरगोन के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। चोरी करने के बाद वे उस मोटरसाइकिल को रीसेल करते हैं देहात में, जिससे कि वहां पर वो पकड़े न जा सके। और इसके अलावा इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी, उसमें ये लोग उसके कलपुर्जे बदल कर भी उसका उपयोग करते थे, जिससे कि वो भविष्य में पकड़ा न सके। इस ऑपरेशन में हम लोगों ने 19 मोटरसाइकिलें बरामद की है और ये एक खरगोन जिले की दोबारा से एक बहुत बड़ी और बेहतरीन कार्रवाई के रूप में है। इसके पहले भगवानपुरा थाना क्षेत्र में भी हमने बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें बरामद की थी। आरोपी सर गिरोह बनाकर ये कार्रवाई करता चोरी करता था कि या फिर किसी को टारगेट करके? नहीं, ये लोग मौका पा करके मार्केट में घूमते थे और जब ये देखते थे कि उसका मालिक जो है वो कहीं दूर चला गया है, और ऐसे अवसर पर दो लोग मिल के इसको चोरी को वारदात देते थे। एक व्यक्ति वॉच करता था और दूसरा व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल ले जाने का काम करता था। इस तरह से इन्हें क्रमबद्ध रूप से पिछले कुछ माहों में 1-1.5 साल के अंतर्गत ही इन्होंने लगभग 19 मोटरसाइकिलों की चोरी का अंजाम दिया है। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, अभी और भी इनसे जानकारी और मोटरसाइकिलें प्राप्त होने की संभावना है। अभी इस कार्रवाई में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? इसमें अभी हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ स्क्रैप भी बरामद किया है क्या? हाँ, स्क्रैप भी बरामद किया है। क्या लगता है सर, इसमें कोई और बड़ा खुलासा हो सकता है? अब इसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि क्षेत्र में या कहीं बाहर इनके द्वारा और भी मोटरसाइकिलें बेची गई हो और वो लोग इसे छुपाने का कार्य कर सकते हैं, तो अभी इसमें अनुसंधान के कारण मोटरसाइकिलों के पार्ट्स भी प्राप्त हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि चोर काट काट के भी बेचता था या पार्ट्स भी अलग अलग? हाँ, पार्ट्स इसलिए अलग करते थे। ये लोग जैसे नाव में जो मोटर बोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इन इंजनों को बेचने का भी कुछ कार्य की जानकारी मिली है। और इसके अलावा मोटरसाइकिलों को भी ये डिसमेंटल करके और उसको टुकड़ों में पुर्जों के रूप में भी बेचते थे। माना जाए कि बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह भी सामने आ सकता है भविष्य में? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ये क्षेत्रीय है और ये इसी 3-4 जिलों के अंतर्गत ही अपनी वारदातें कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।